पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। वेट, युक्ति मैम, आप यहाँ? इतने दिनों से तुम क्या कर रही हो और क्या करती आई हो ना, सब कुछ पता है मुझे। क्या आप किस बारे में बात कर रही है? मुझे नहीं पता है। ए, बस अभी ज्यादा इनोसेंट बनने का नाटक मत करो तुम। इतने टाइम से मिसेस भूमि महाजन को गलत इंजेक्शन देते आई हो। उस बॉटल में लेबल तो करेक्ट होता है लेकिन अंदर दवाई गलत होती है। और उस दिन मिसेस भूमि महाजन ने मेरे सामने तुमसे कहा भी था ना कि उस इंजेक्शन से उनको और तकलीफ होती है, लेकिन तुमने बहुत स्मार्टली उस बात को घुमा दिया। तुम्हें आइडिया भी है उस इंजेक्शन से उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है? And I swear to God, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगी? और अब मेरे घर में आकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और अब चाहती है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं। और प्रूफ क्या आपके पास मेरे खिलाफ? जाइए यहाँ से। प्रूफ है मेरे पास। उस दिन तुम्हारे मेडिसिन बॉक्स से मैंने इंजेक्शन निकाल लिया था और उस बॉटल के अंदर का लिक्विड भी। और चाहे कुछ भी हो जाए, इल्जाम तुम पर ही लगना है क्योंकि मिसेस भूमि महाजन का ध्यान 24 घंटे तुम रखती हो, उन्हें दवाइयां तुम देती हो, तो सोच लो। देखिए मैम, मैं वहां पर जॉब करती हूँ नर्स का, और भूमि मैम को मैंने कोई गलत दवा नहीं दी है। इनफैक्ट जो भी दवाई मुझे महाजन फैमिली से मिल रही थी वही इंजेक्शन में मैम को दे रही थी। पर आपको जो कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली जाकर महाजन से पूछिए ना। इनफैक्ट मैं ही उनसे पूछ लूंगी और उनको बता भी दूंगी कि आप यहाँ पर आकर मुझसे क्या बोल रही थी। अब जाइए यहाँ से। सुनो, कोशिश कर, प्लीज गेट गेट। रुको, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रहे थे? अभी ऐसे गिर जाते तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता? मर जाता और क्या, मरना ही है मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे क्यों बात है? मुझे नहीं जीना, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मरने की कोशिश कर रहे थे तुम? हाँ, आपकी वजह से। क्या जरूरत थी आपको मेरे को छोटे स्कूल से निकाल के बड़े स्कूल में डालने की? मैं म्युनिसिपल स्कूल में बहुत खुश था, मेरे दोस्त थे वहाँ, और इन अमीरों के स्कूल में कोई दोस्त नहीं है मेरा, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं उनसे दोस्ती कर सकूँ। हंसते हैं मुझ पर क्योंकि मैं ऑटो से आता जाता हूँ। उन सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। या तो मुझे गाड़ी खरीद के दो या मुझे मर जाने दो। एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है एक बड़ी गाड़ी होने से तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या? Are you 100% sure? हाँ, शायद, पता नहीं। इंपोर्टेड कार और देसी कार चलाने में क्या डिफरेंस है? इंपोर्टेड कार चलाने में ज्यादा मजे आते हैं। नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए बस मंजिल तक पहुंचना दिमाग में होता है और कुछ नहीं। मर मर कर काम करती हूँ ताकि तुम अच्छी जगह पढ़ सको, आगे जाकर कुछ बन सको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद कर दे दूंगी, पर क्या गारंटी है कि बड़ी गाड़ी और पैसे होने के बाद तुम्हारे सच्चे दोस्त बनेंगे? बेटा, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे तुम्हारी वैल्यू तय नहीं होती। इस बात की कोई गारंटी है कि तुम्हारे पास अगर बहुत सारे पैसे होंगे, बड़ी गाड़ी होगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी? पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों से अच्छे से पेश आओगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की मेहनत करोगे, तब जाके तुम्हारी वैल्यू बनेगी, है ना? अगर आज तुम मर जाते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्तों को फर्क भी पड़ता? तुम्हें पता है फर्क किसे पड़ता? या तुम्हारी दीदी को, जो दिन रात
तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है, तुम्हारे लिए काम कर रही है, और तुम क्या कर रहे थे? उन दोस्तों के लिए जो तुम्हें गाड़ी से पैसों से तोलते हैं, तुम उनके लिए अपनी दीदी को गंवाने तुले थे? एक बार भी तुमने अपनी दीदी के बारे में नहीं सोचा? माफ कर दो दीदी, गलती हो गई। तू ठीक तो है ना? टेक केयर। युक्ति मैम, एक मिनट। हाँ युक्ति मैम। मैम आप बहुत अच्छी हैं, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा भाई क्या कर चुका होता। मैं तो जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन आपने फिर भी सच का साथ दिया। ये आंखें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं? अब ये नया प्लेयर कौन है? इस नए प्लेयर को ना मॉम, हमारे सारे प्लान्स के बारे में पता था, दादा बाबू के बारे में पता था। I'm pretty sure म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फेक रेड भी इसी इंसान ने कराई थी। उसको पता था कि हम वो रेड के प्रेशर में आके दादा बाबू को सीक्रेट हाइड आउट से निकालेंगे, और वो उस प्रेशर सिचुएशन में दादा बाबू को हमसे छीन के उड़ा ले जाएगी। डीजे, लुक, ये आंखें कुछ ज्यादा ही पहचानी हुई सी नहीं लग रही? जी कहीं शुभिका तो नहीं? What rubbish! युविका को मरे हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया। Not her. तो फिर है कौन ये? जो भी है डीजे, ये हमारी दुश्मन है। आज होलिका दहन है, और ये जो भी है इसे हम पता लगा के रहेंगे। I wish ये होलिका ना मेरी जैसे स्मार्ट होती तो इसे हर साल अच्छाई से हारना नहीं पड़ता। And I wish वो अच्छाई उस आग में हर साल जल जाती। But sadly, she was not like me. युक्ति जी, रिलैक्स, कोई तमाशा क्रिएट करने नहीं आई हूं मैं। जस्ट बिकॉज मैंने ये हिस्सा खरीद लिया, आई थॉट मैं सारे रूम जाके चेक करती हूँ। आई थिंक इट नीड्स अ मेकओवर, सो कुछ डिजाइंस, कुछ समथिंग आई डू इन द रूम, दैट्स इट। होली हो या दिवाली, देयर आर गोना बी नो डेज ऑफ यू एंड योर टीम, समझे? तुम लोग 2400 घंटे काम करोगे। ये जो तुमने आंखें अभी मुझे दिखाई ना मयंक, मुझे नाकों के साथ का चेहरा भी देखना है। मुझे फुटेज चाहिए सारी, जहां एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ वहां वो दादा बाबू को छोड़ के वो लड़की वहां से भागी। तो भागी कैसे? कहीं से तो गई होगी ना, फुटपाथ रोड, कहीं की आसपास की हर फुटेज चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं उस लड़की का चेहरा दिखेगा, सड़कों से लेकर फुटपाथ, कहीं की भी दुकानों की। I want all that. मुझे वो चेहरा देखना है। Simple enough for you? Okay, sir.
ये मेरी दी और मेरे पापा की फेवरेट चॉकलेट्स हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।